ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में पार्ट वन का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। यहां पे बता दें कि सेशन 2019 से सेशन 2022 के जो भी थे, जो कि पार्ट वन में एग्जाम दिए थे, इस बार उसका रिजल्ट इस बार आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, कैसे चेक करना है, कैसे आपको मोबाइल से डाउनलोड करना है, लाइव प्रूफ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए वीडियो को इन तक देखेगा, उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का आने वाले सही सही बिल्कुल न्यूज आपको परफेक्ट सही समय से मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को अभी बताऊंगा कि सर्च करके, यहाँ पे सर्च करके हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का स्क्रीन आएगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग रिजल्ट जो है केवल रोल नंबर डालकर ही आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं, बस वीडियो के इन तक देखेगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों इस प्रकार के एलएनएम मिथिला यूनिवर्सिटी से आने वाले कोई भी न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाए तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, तभी जाके आपको कोई भी नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो चलिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ये सही न्यूज़ है, कहीं से गलत उलत नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका बिल्कुल मिलने वाला है एकदम, इस पर चैनल पर जो है गलत मिलता ही नहीं है। स्नातक खंड वन का रिजल्ट जो है हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है, सिर्फ रोल नंबर से देख सकते हैं अपना नंबर। देखिए यहाँ पर सिर्फ आप लोग को रोल नंबर डालना होगा, उसके बाद आप लोग को सीधे जो है रिजल्ट अपना पता चल जाएगा और आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं ये आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं बस इसी वीडियो में, बस वीडियो को इन तक देखेगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, हो सकता मैं डाटा जब ऑन करूंगा तो हो सकता है थोड़ा आवाज फट सकता है, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा मांगता हूं। बट दोस्तों एक बात और आप लोग को बता दूंगा, अगर आप अगर पार्ट वन में आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो से आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से भी देख सकते हैं। ये जो है वेबसाइट हम लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से भी देख सकते हैं। या फिर आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप नहीं, अगर इस बार बीएससी या फिर पार्ट टू में नहीं है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि सभी के पास पहुंच जाए, चूंकि ये जो होता है वीडियो सभी लोग देखे और अपना रिजल्ट है अच्छे से देख सके और आगे क्लास में एडमिशन ले सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग कैसे डाउनलोड कर रहे हैं लाइव देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको सीधे आना है क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल ब्राउजर पर, आप लोग यूज करते होंगे तो वहां पे आप लोग को आना है। सिंपली यहां पे जो है आप लोग को सर्च करना है, क्या सर्च करना है चलिए हम लोग बता देते हैं। यहां पे जो है आप लोग को सर्च करना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वही आपको सर्च करना है और यहां पे टेस्ट देखे कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे देखे कर दिया, उसके बाद यहां पे सर्च बटन पर क्लिक कर दिए। दोस्तों बता दें कि ये जो है लिंक थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, चूंकि इसी से जो है हर कोई जो है अपना अपना रिजल्ट देख रहे हैं, इसलिए ये स्लो चल रहा है। तो हम लोग कुछ देर वेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सीधे लिंक जो है अगला स्टेप खुल के आएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ देर हम लोग वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कुछ देर वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल गया। उसके बाद हम लोग को धीरे से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए पूरा जो है सर्च यहाँ पे नहीं ले पाया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पूरा जो है यहाँ पे सर्च नहीं ले पाया, जिसके कारण नीचे नहीं स्क्रॉल हो रहा है, यहीं पर आकर रुक रहा है। तो हम लोग कुछ देर और वेट करेंगे। दोस्तों बता दें कि अगर आप चाहते हैं रिजल्ट देखना तो आप लोग को कुछ देर वेट करना होगा और यहाँ पर आप लोग को सर्च करके यहाँ पर जब तक ये पूरा ना हो तब तक आप लोग को वेट करना होगा, ये आपको भागना नहीं होगा, बस आपका कुछ ही देर में आपको ये। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को यहाँ पे करना है ये इंटरफेस नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे जाने के बाद आपको देखे सारे जो है यहाँ पे डाउनलोड करने वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, बस यहाँ पे हम लोग को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को आ चुका है यूजी पार्ट वन रिजल्ट, यहाँ पर देखिए क्लिक है फॉर यूजी पार्ट वन रिजल्ट, इस पर आप लोग को सिंपल से क्या करें यहाँ पे हम लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ देर के बाद हम लोग के पास जो है फिर से इंटरफेस खुल के आएगा, बस रोल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर रोल नंबर देने के बाद आप लोग का रिजल्ट जो है बिल्कुल आ जाएगा। चलिए हम लोग वेट कर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सामने क्या है, यहाँ पे जो है रोल नंबर और रोल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे देखिए रोल देते हैं उसका अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रोल नंबर डाउन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें हर दिया यहाँ पर सिंपली सर्च पर चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्च पर चल जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च पर चलते हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं हम लोग, तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम लोग वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली से देखिए यहाँ पर जो है रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 338 नंबर आ चुका है, यहाँ पे देखिए मैं सिंपली अपना ही चेक किया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।